हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से इस फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रकाश नेगी और आप देख रहे हैं नेगी प्रकाश चैनल पर ये वीडियो। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें से कितने लोग कमेंट करते हैं कि आप मतलब कि नाइट का जो है आप करते कैसे क्या हैं और जो आपका खाना बनता है वो किस प्रकार बनता है। तो आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो है एक अलग सा फील हो रहा है और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आज जो है मैंने बाल वाल भी पूरा एक कटिंग कुटिंग कर ली है, अगर कैसी लग रही है तो ज़रूर बताना। न्यू स्टाइल है तो आज आप सभी को देखने को मिलेगा न्यू, मतलब जो हमारे घर में जो खान पान होता है शाम के टाइम जो गाँव एरिया में होता है वो किस प्रकार होता है, और आज आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो नाइट का जो खाना होता है किस प्रकार बनता है और क्या-क्या बनता है खाने में, और हमें मतलब वैसे तो हम लोग ज़्यादा रेगुलर जो है चूल्हे में ही खाना बनाते हैं। उत्तराखंड में जितने भी लोग होंगे शायद अगर वो समझते होंगे, लेकिन हम लोग शायद चूल्हे में बनाते हैं और ठंड के टाइम पर चूल्हा जो है वो काफ़ी लाभदायक है, जो कि हमें खाना भी बन जाता है और प्लस प्लस हम लोग जो है गर्मी से जो ठंड होती है उससे भी राहत पा लेते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी जो गर्माहट है आग से जो जलती है वो काफ़ी फायदेमंद होती है, और जो आग का जो खाना होता है जो चूल्हे का जो खाना होता है वो काफ़ी ही अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, क्योंकि चूल्हे में जो खाना बनता है वो काफ़ी ही अच्छा होता है। तो आज आप सभी को दिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से तो क्या क्या बना रखा है आज। और ये हमारी धर्मपत्नी है ये, जबकि अभी देखेंगे नहीं, वीडियो की तरफ देखती भी नहीं है, ये कहती है कि कैमरा हमारी तरफ दिखाओ मत नहीं तो हम कैमरा तोड़ देंगे। हेलो हेलो, ये देखो ये देखती नहीं है कैमरे की तरफ। और चलो आप सभी को दिखाते हैं क्या क्या बना हुआ है आज। तो आज बना रखी है हम लोगों ने हरी सब्जी, जो कि हमारे घर पर होती है हरी सब्जी, जो कि सरसों की सब्जी है, देख सकते हैं आप, ये प्योर हरी सब्जी है और इसे काफ़ी ही ये स्वादिष्ट होती है और चूल्हे में बना रखी है, देख सकते हैं ये चूल्हा है और ये हरी सब्जी है, और प्लस इसके साथ दूध है, जो कि हमारे घर में एक भैंस है तो अभी ये दूध पियेंगे, दूध देख सकते हैं आप। और तो इसके बाद हम लोग खाते हैं खाना और आप सभी को बताते हैं किस प्रकार ये स्वादिष्ट हो रखा है। तो अभी हम लोग खाएंगे हरी सब्जी प्लस दही, जो कि घर की भैंस की प्योर दही है, इसके लिए शायद सभी लोग तरसते हैं। तो ये है, ये थोड़ा शर्माती है वीडियो में आने में, और इसके बाद हम ही लोग भोजन करते हैं और इसके बाद बताते हैं आप सभी को हरी सब्जी, सरसों की सब्जी और दही, और इसकी कढ़ाई खाली हो चुकी है, इसमें रख दी गई है, अगर हमें लेना होगा तो दोबारा ले लेंगे। तो इसके बाद आप सभी को इसका स्वाद बताया जाएगा। तो ये मेरा शायद जो होम ब्लॉग है ये फर्स्ट टाइम है, और अगर आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी के बीच में लाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप सभी को इसका स्वाद चखाया जाएगा किस तरह बनी हुई है। ये हरी सब्जी है, ये दही है, ये हमारी धर्मपत्नी के लिए है, ये वो खाएंगी, और ये किसके लिए है? अच्छा, ये दूध, यहाँ इसको दूध इसमें मिल रखूँ? दूध मिल रहा है, यहाँ दही मिल रहा है, यहाँ ये सब कुछ मिल रहा है, और क्या कहना चाहिए? खाना जो बनाया है वो काफी स्वादिष्ट बना हुआ है, हरी सब्जी और रोटी के साथ, वाव। इसका जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है हरी सब्जी का, मेरी हरी सब्जी जो है वो काफ़ी फेवरेट है, और दही के साथ अगर थोड़ा बहुत आप हरी सब्जी में थोड़ा दही मिला दें तो उसका जो आनंद है वो काफ़ी ही अच्छा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज आप सभी को मैंने जो हमारा जो नाइट का ब्लॉग होता है किस तरह खाते हैं और किस प्रकार बनाते हैं तो ये सभी कुछ आप सभी को दिखाया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ये छोटी सी वीडियो थी, और अगर आप इसी तरह की रूटीन ब्लॉग अगर इस तरह चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, हो सकेगा तो आगे आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप सभी के बीच में लाने की कोशिश करूँगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना, जो पुराने हैं वो रहने देना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।